यूपी के कौशाम्बी में एक बहू ने सास व ससुर को यातना देने का मामला सामने आया है। आरोप है बहू ने सास ससुर को यातना देने की सारी हदें पार कर दी है। पति के सऊदी अरब जाते ही बहू ने सास ससुर को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हाल ही में उसने ससुर को घर में कैद कर दिया, बात बात पर पिटाई करती है। इससे आहत सास ने पुलिस को तहरीर देकर पति को आज़ाद कराने की गुहार लगाई है। वहीं आरोपी बहू का कहना है कि उसकी सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी है, वह बेटे को सऊदी अरब भेज दिया है। बहू का कहना है कि सास के सभी आरोप गलत है, मुझे घर से बाहर करने के लिए झूठी शिकायत की जा रही है। सैनी कोतवाली क्षेत्र के परास गांव की वृद्धा ईश्वरी बेगम ने सैनी कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसका बेटा मोहम्मद इम्तियाज अहमद सऊदी अरब में रहता है, वह वहीं रहकर काम करता है। आरोप लगाया है कि बेटे के सऊदी अरब जाते ही बहू ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पहले बात बात पर डांटती रहती थी, अब उसने मारपीट भी शुरू कर दी है। सास का इल्जाम है कि उसके पति हिसामुद्दीन को बहू ने घर के एक कमरे में कैद कर रखा है, अगर वह शोर मचाते हैं तो दरवाज़ा खुलकर उनको पीटती है, इसके बाद धमकी देकर दरवाज़ा बंद कर देती है। बताया कि बहू ने जुल्म व ज्यादती की सारी हदें पार कर दी है, अब वह बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। वृद्धा ने अपने शोहर को आज़ाद कराने की मांग पुलिस से की है, इसके बाद भी पुलिस ने इस मामले कोई कार्रवाई नहीं की। इससे वृद्धा परेशान है, रिश्तेदारों के यहाँ रह रही है। वृद्धा घर में पति को बंधक बनाए जाने पर वृद्धा ईश्वरी बेगम सैनी कोतवाली पुलिस को तहरीर देने के बाद अब रिश्तेदारों के यहाँ चली गई है। वृद्धा को बहू से डर लगता है। वृद्धा का कहना है कि यदि अब वह घर गई तो उसके साथ मारपीट भी की जाएगी। पुलिस है कि इन वृद्धों की गुहार सुनने को तैयार नहीं। वहीं सिराथू सीओ रामवीर सिंह का कहना है यदि वृद्ध महिला ने तहरीर दी है तो कोई कार्रवाई की जाएगी। आरोपी बहू ने बताया कि उसके सास ससुर जबरन तलाक के लिए झूठे आरोप लगाकर परेशान कर रहे हैं। आरोपी बहू का कहना है कि उसने अपने धोखेबाज पति के खिलाफ सैनी कोतवाली में दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा लिखा है। इस संबंध में सैनी कोतवाली पुलिस को निर्देश दिया जाएगा कि वह पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही करे। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। थाना क्षेत्र सैनी के अंतर्गत गांव परास में ईश्वरी बेगम ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरे पति को बंधक बना लिया है, ऐसा मौके पर पुलिस ने विवेचना करके जांच करके देखा कि वहां पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और वो हमारे संज्ञान में है, जाँच की जा रही है। सर कोई पत्नी पत्नी का पति पत्नी मुकदमा चल रहा है क्या? तलाक हाँ, पति पत्नी का आपस में मुकदमा चल रहा है, दहेज का मुकदमा लिखवा रखा है बेटे की बीवी कि हमका राह दे, ये कहे निकाला थी कौन बहू, अब तीन दफे अब ये तीसरा बार फिर निकाला, दो बार निकाली अब ये तीसरा फिर निकाला थी। आपके पति को क्या कहाँ रखे हैं? वो कमरा में तो बंद है। आप मिल नहीं पाती क्या? कहाँ, गेट की कुंडी लगा लिए थी, हम जा नहीं पाए। किस वजह से बंद करे आपके पति को उसने? कि यह कहुआ ना जाए, और पति का कहा थे ले जाओ, उसका कल भाई आगे हम रहे पीछे वो गाड़ी चला, कहा थे क्या सुन कहा जाते हैं चल जल्दी जल्दी हो बुढ़वा का निकाल, तो हम कहा कि घर तही बनवा है, कहा कहे मैं निकालू वो, तो, वो कह रहे कि आपके बेटे ने शादी दूसरी कर ली क्या? हाँ कही सी, कहे पर कही सी, जब गंदी गंदी अल्फाज पांच महीना रहा है ऐसे हाथ नहीं रखे दिस तो वकैश में दूसरी शादी करियो, तो कहा न तो मैं औरत बन के रही हूँ न तोरे लड़कर की माँ बनी हूँ, एठ नहीं चार वो कहा मैं क्या औरत की जरूरत मैं क्या लड़का की जरूरत, अगर कहा है कि न तो हमका लाइसेंस जा दे न हमका पानी भरे दे, वो अपन कहा थी कि जितनी जल्दी हो निकल, न हम बुढ़वा का बिस्तर बिछा पावा न हम ओढ़े का दे पावा, और हम कहीं दरवाज़ा बंद कर ले तालो हमार रख ले थी, दो दो ठो ताला रख लिए सो चाबी फेंक दे थी, चाबी आपके साथ मारकूट भी हुई क्या? अरे कि वह हम लड़का मरा बाय के घुस के हमका कूटा थी। जी सर मेरी समस्या ये है कि मेरी शादी को 7 साल हो चुका है, मेरा शौहर मुझे पहले अच्छे से रखता भी था सब कुछ, मेरे एक बच्चा भी हुआ,
खर्चा पानी दे रहा था। उसके बाद फिर उसने मतलब दूसरी शादी कर लिया। इसकी माँ ने गलत गलत मुझ पर आरोप लगाने लगे, मतलब कि मतलब ये अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है। माँ और बहन के कहने पे उसने दूसरी शादी कर लिया, चोरी छुपी बाहर ही बाहर सऊदी से बुला के उन्होंने बहन और माँ ने मिलकर शादी करवा दी। दूसरी शादी कर लिया, हमको बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, तलाक ले लो दबाव बना रहे थे। हमने नहीं तलाक लिया तो मारना पीटना शुरू किया, घर से निकालना शुरू किया, तब हमने मुकदमा दायर किया है। आप पे आरोप लग रहे हैं आप ससुर जी को बंधक बनाए हुए हैं। जी हमने कोई बंधक नहीं बनाया है, सब लोग देखे हैं, थाने से आई थी, पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी देखा। मैं उनको खाना दे रही हूँ, पानी में उनकी लैट्रिन पेशाब कर रहे हैं, वो भी उठा के फेंक रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ। आपको किस लिए परेशान कर रहे हैं लोग? मुझको इसलिए परेशान कर रहे हैं कि ये घर छोड़ के चली जाए, तलाक ले ले, ताकि मैं अपनी दूसरी औरत को यहाँ ला के रख सकूँ। आपका नाम? मेरा नाम आरजू बानू है।